हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने YouTube चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने कैपेसिटेंस से संबंधित जितने भी थ्योरी चीज़ें थी उसको हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल को बनाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप तीन चार फॉर्मूले हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटेंस का करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, या फिर पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो क्या आता है, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 3.21 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास एरिया की वैल्यू हमें पता चल गई, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 0.11 mm, यानी हमें डिस्टेंस की वैल्यू भी पता चल गई 0.1 mm। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ इट्स डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इफ द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 7 एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.9 × 10 to the power -12 दिया हुआ है। तो हमारे पास ए की वैल्यू पता है, हमें डी की वैल्यू पता है, हमें के की वैल्यू पता है, तो आपको पता है हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, गलती से यहाँ पे सी के बदले में ई लिखा गया है, तो इसको आप इग्नोर मारिएगा। आपका जो फॉर्मूला है उसी को लिखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्साइल नोट के इंटू ए बाई डी होता है। सबका फॉर्मूला डालेंगे, E का एप्साइल नोट का डालेंगे 8.9 × 10 to the power -12 हो जाएगा, और K का वैल्यू डालेंगे हम 7, और A का वैल्यू कितना डालेंगे 3.21, और नीचे D की वैल्यू डालेंगे 0.1 × 10 to the power -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए, हमारे लास्ट में हम देखेंगे तो हमारे C की वैल्यू कितनी आएगी। C की वैल्यू आ जाएगा जीरो जीरो C की वैल्यू आ जाएगी 1.99 माइक्रो फैराडे हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10 to the power -3 से 10 to the power 3 को 10 to the power -2 से 10 to the power 3 को कैंसिल कर देंगे, फिर गुना करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, थ्री कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6, 12 एंड 16 माइक्रो फैराडेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन, हाउ मच चार्ज विल बी ड्रॉन। ड्रॉन लिखा गया है, ड्रॉन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ है, हमें C1, C2 और C3 की वैल्यू दी हुई है, और हमें क्या करना है भाई, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। देखिए, C1, C2 और C3 की वैल्यू डालेंगे हम, तो C1 6, C2 12 और C3 16। LCM लेंगे तो हो जाएगा तीनों का 48, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/48, फिर C की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48/15, तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3.2 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। तो देखिए, C की वैल्यू पता चल गई, और यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट। तो हम देख लेते हैं, तो हमें चार्ज निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों, सी भी होता है। तो सी बराबर लिखेंगे 3.2, और वी का मान डालेंगे 220। 3.2 × 10⁻¹⁶ और × 220, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 704 माइक्रो कूलम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 704 माइक्रो कूलम हो गई। देखते हैं दोस्तों अगला प्रॉब्लम, देखते हैं अगले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है टू कंडेंसर्स हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रो फैराडे व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए दोस्तों, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कितना है, 12 माइक्रो फैराडे है, और सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो कितना है, 2.25 माइक्रो फैराडे है। तो हमें दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना है, यानी C1 और C2 की वैल्यू को हमें निकालना है। तो देखिए, जब हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 12 है, यानी C1 और C2 इज इक्वल टू, अगर CP करेंगे तो CP का बार मान हो जाएगा 12, C1 प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे देखिए, फिर CS बराबर निकालेंगे तो देखिए, सीरीज कैपेसिटेंस देखेंगे 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C1। तो देखिए, C का वैल्यू हम डालेंगे 2.25, ऐसे ही इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 × C2/C1 + C2 हो जाएगा। फिर देखिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, C1 × C2 बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो फिर C1 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 27/C2 हो जाएगा। फिर C1 की वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन 1 में। देखिए, यहाँ इक्वेशन 1 हमारा C1 + C2 = 12 है, C1 का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो C2 का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, यहाँ से इसका वैल्यू डालते हैं तो हम क्या करेंगे,
इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो 27 बटा C2 + C2 = 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27 छूट गया है, आप कर लीजिएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है, द्विघात समीकरण जो होता है बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए 9 और 3 को करेंगे तो 9 3 12, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइक्रोफैराडे और 9 माइक्रोफैराडे आ जाएगी। तो देखिए अब अलग अलग कर सकते हैं, अगर C2 की वैल्यू को हम 3 लेते हैं तो हमारा C1 की वैल्यू क्या आएगी, दिया हुआ है। C2 की वैल्यू 9 लेंगे तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3 × 10⁻³ इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1.08, फाइंड इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। देखिए दोस्तों Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻³ दी हुई है, K = 1.08 दिया हुआ है और D = 20 × 10⁻²  मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू, यानी ये फॉर्मूला हमारे पिछले चैप्टर का है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या था, V × 9 V, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल का फॉर्मूला 9 × 10⁻⁹ गुने Q/K×D होता है। देखिए रख देंगे Q का मान, रख देंगे K और D का मान रख देंगे, देखिए सब कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आप अपने से कर लीजिएगा, कट कुट जितना होता है। देखिए सिंपल भाषा में बताता हूँ, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 9 9 सीधे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 से 108 को काट दीजिएगा, 36 आ जाएगा। फिर 9 से 36 को काट दीजिएगा, बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा एंड में आंसर कितना आ जाएगा, 125 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, नीचे कमेंट कीजिए और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगले प्रॉब्लम में क्या है, टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 15 माइक्रोफैराडे एंड 10 माइक्रोफैराडे इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑफ ईच कंडक्टर। देखिए दोस्तों सीधी सीधी बात है, दो कैपेसिटेंस है C1 और C2 और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, हमें दोनों पे चार्ज निकालना है, सीधा सीधा बात है। C1 का वैल्यू दिया हुआ है 15 माइक्रोफैराडे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁶ 10⁻⁶ फैराडे। फिर 10 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है, 10 × 10⁻⁶ फैराडे हो जाएगा, V = 12 वोल्ट। देखिए दोस्तों पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2 होता है, तो C1 + C2, C1 कितना है 15 है, C2 कितना है 10 है, 15 10 कितना हो गया 25, यानी CP = कितना हो गया 25 माइक्रोफैराडे। Q1 = होता है C1 × V, C1 का वैल्यू हमें पता है कितना है भाई 15, भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, गुना कर देंगे 15 12 कितना होता है 180 माइक्रोफैराडे हमारा Q1 का वैल्यू आ गया। फिर Q2 का वैल्यू क्या हो गया C2 × V, यानी 10 में 12 से गुना करेंगे, C2 की वैल्यू 10 है और भी की वैल्यू कितना है 12 है, 12 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, यानी दोनों पे चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई। तो यही हमें निकालना भी था। आगे देखते हैं दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, 3 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्या है, 2 और 4 दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है और इन दोनों से कनेक्टेड है 3 और 6 क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और 4 क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है CP = C1 + C2 होता है, यानी C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और C2 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफैराडे यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों के बदले में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बदले में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बदले में 6 आ जाएगा। फिर 6 3 और 6 ये दोनों क्या होगा हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हमारा क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है, तो C1 6 है, C2 3 है और C3 6 है। तीनों का हम क्या करेंगे LCM लेंगे तो आ जाएगा 6, और LCM लेके देखिए हिसाब किताब कीजिएगा तो CS का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 माइक्रो फैराडे आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचाइए, और ठीक है, थैंक यू। अगले चैप्टर में देखते हैं अगली बातें।